नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। ताजनगरी आगरा में 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की। इस दौरान जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचकर वैक्सीनेशन में शामिल बच्चों को गुलाब देकर वैक्सीनेशन की बधाई दी। बारह से 14 साल के बच्चों का और 60 प्लस जो लोग हैं उनका बूस्टर डोज का प्रारंभ हुआ है। मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि भले ही अभी कोविड केसेस कम हों, लेकिन ये आपका सुरक्षा कवच है और इसकी कोई निगेटिविटी नहीं है। इतने दिन से हमारा वैक्सीनेशन काम चल रहा है, अतः अपने बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर करा लें ताकि जब भी अगर केसेज आते हैं तो उससे अपने बचाव रहे। आप देखेंगे जैसे अभी चाइना में केसेज आ रहे हैं तो फ्यूचर का पता नहीं है, केसेज कम है अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराएं। 60 वर्ष से ऊपर ही के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज का आज से स्टार्ट हुआ है, तो भी आकर के करा सकते हैं। उसको व्यवस्था हर जगह कर ली गई है। अभी चूँकि 12 से 14 वालों को खासकर अभी एक जगह से स्टार्ट हुआ है, कल से हम लोग फिर स्कूल्स में जाकर वैक्सीनेशन कराएंगे। और जिस तरह से एक अच्छी पहल की गई है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए और 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो गई है, 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन होने लगा है। जिलाधिकारी ने बच्चों को बधाई दी है वैक्सीनेशन करवाने पर और गुलाब देकर बच्चों को बधाई दिया गया है। और लगातार एक अच्छी पहल बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए की गई है, एक जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। इस दौरान जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचे, उन्होंने बच्चों को बधाई दी। 12 से 14 साल तक के बच्चे इस वैक्सीनेशन में शामिल हो रहे हैं। 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बधाई दे दी है। और लगातार इस खबर पर अधिक जानकारी के संवाददाता जुशान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुशान, किस तरह से यह जो कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया है इसको संपन्न करवाया जा रहा है? जुशान, किस तरह से बच्चों को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसकी जो कड़ी है, उसकी जो प्रक्रिया है, किस तरह से चल रही है? जी जुशान, जो प्रक्रिया है बच्चों को 12 से 14 साल तक के बच्चों को, उनको किस प्रकार से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है? जी मैम, मैं आपको बता दूं, जनपद आगरा जिला में अधिकारी पीएन सिंह द्वारा 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जिला अस्पताल में टीकाकरण की शुरुआत की गई है। इस अभियान में 12 से 16 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जाएगा, इसके साथ ही सरकारी केंद्रों पर टीका मुफ्त लगाया जाएगा। जी, वहां के बच्चों में और बच्चों के जो परिजन है उनको, उनमें क्या कुछ उत्साह दिखा इस वैक्सीनेशन को लेकर के, और लोग कितने जोश के साथ जो वैक्सीनेशन केंद्र है वहां तक पहुँच रहे हैं? उनके परिजन भी काफी बड़ी संख्या में अपने बच्चों को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों पर आ रहे हैं। बच्चों को पहली डोज का वैक्सीनेशन दी जाएगी, इसके बाद 28 दिन के अंतराल में बच्चों को दूसरी डोज दी जाएगी। आगरा स्वास्थ्य विभाग के बच्चों वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया जा रहा है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुशान। खबर औरैया से है, जहां पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 10 लाख के कछुए बरामद हुए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। औरैया के बिदुना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत SHO कोतवाली और उनकी टीम ने आज बहुत अच्छा गुड वर्क किया है, और ये लोग आज जो है वो प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए सब पूरी टीम निकली हुई थी, और वहीं इनको मुख्य से सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो ये कछुए का व्यापार करते हैं, तो इन्होंने तुरंत संबंधित विभाग वन विभाग को जो है वो सूचना दी। वन विभाग के लोग जो है वो आ गए, और वन विभाग के लोगों ने और इन्होंने जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करके एक व्यक्ति के पजिशन से करीब 709
कछुए जिंदा बरामद किए हैं और हाँ, वन विभाग के तहरीर पर हम लोग मुकदमा लिख के और अभी उनको जेल न्यायिक अवरक्षा में भेज रहे हैं और इससे पूछताछ की जा रही है। खबर औरैया से है जहां 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाना शुरू हुआ है और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता देखने को मिली। वहीं डॉक्टर रूबी सिंघानिया ने बताया कि सुबह 10:30 बजे पर बच्चे पहले वैक्सीन लगवाई थी, अभी तक बच्चे वैक्सीन लगवा चुके हैं और शाम 4 बजे तक यह वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन बच्चों को सीओ वैक्सीन लगाई जा रही है। छाया किस क्लास की छात्रा है? 10th की। आज वैक्सीन लगवाने आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? बेहतर फील हो रहा है और मैं यह कहना चाह रही हूँ कि और सभी लोगों को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे कोई हानि नहीं है, हम लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है। वैक्सीन लगाई जा रही है 12 से 14 साल के बच्चों को 50 बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मेरा नाम रूबी सिंघानिया है और आज 15 बच्चे आए हैं, 15 बच्चों को भी कोरवैक्स वैक्सीन दी गई है और 10:30 बजे पहला बच्चा लगवा के गया है और 4 बजे तक ये वैक्सीनेशन होगा। खबर बांदा से है जहां बालू से भरे ओवरलोड ट्रक ने मजदूर को कुचल दिया जिससे मजदूर की मौके पर मौत हो गई। आक्रोश में आकर ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की और ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई शुरू की। नाम क्या है? क्या हुआ? मेरा भाई काम करने जाता था, खाना खा के इधर, उसके पास पैसा नहीं था, मजदूरी करने जाता था, उसके नठेल ट्रैक्टर चढ़ा दिया, पैदा था एक साइड में था तो चढ़ा दिया। कौन से गांव के प्रधान हैं? क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। पूरी घटना ये वर्कर आदमी, मजदूर आदमी अपना काम करने रोजमर्रा की तरह जा रहा है, बालू खदान भी चलती है, मरौली खंड चल रहा है, जो भी चल रहा है हमें जानकारी नहीं, लेकिन बस्ती के अंदर से गुजर के निकल रहा है, बच्चे छोटे छोटे रोड में खेल रहे हैं, अब पढ़ने भी जाती हैं बच्चियाँ, सब हर तरह से समस्याएँ क्योंकि बस्तियों के बीच से ट्रैक्टर अवैध अपना चलाएं, कोई दिक्कत नहीं लेकिन आउट ऑफ रेंज चल रहा है, तेज भी चलते हैं उसी में घटनाएं घटती हैं, ये पहली घटना नहीं कई घटनाएं हो चुकी। लड़के के आप कौन हो? चाची हैं। क्या हुआ है आज? घटना क्या हुई? सुबह रोटी 8 बजे खाना खा के गया था चाची, हम जा रहे हैं काम पे, मजदूरी का है, हम कहा बेटा जाओ तुम काम पे जाओ, कितना हम भेज दिए, कुछ साधन नहीं मिले तो पैदल भागा है, जब पैदल भागा है तो वहाँ से आया है ट्रैक्टर आया गाड़ी आया है आई अपना जात रहा है सीधे सुबह उसको जैसे टकरा दिए उसको बिल्कुल एकदम से खत्म हो गया। में मौत हो गई है, क्या वजह है, कैसे हुई है? ये अयोध्या निषाद, उम्र करीब 30 साल, ये कृषि मजदूर हैं और ये अपने खेत पे मजदूरी करने जा रहे थे, जो इधर नदी पर बने अस्थाई पुल की तरफ से आ रहे मरौली खदान से आने वाले एक ट्रैक्टर की चपेट में आ गए जिनसे उनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में ट्रैक्टर चालक की घोर लापरवाही पाई जा रही है जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा मृतक को दुर्घटना बीमा योजना का सरकार की तरफ से निश्चित राशि भी दिलवाई जाएगी। खबर बहराई से है जहां स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र बहराई जो श्रावस्ती के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए प्रस्तावित 20 मतदेय स्थलों पर कुल 3,759 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जबकि श्रावस्ती में 5 मतदेय स्थलों पर 983 मतदाता वोट डाल सकेंगे। बता दें कि मतदान 9 अप्रैल 2022 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना 12 अप्रैल को शुरू होगा। खबर चंदौली से है जहां दबंगों ने टेम्पो चालक को पान के दुकान पर बुलाया और बुरी तरह ईंट पत्थर से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फाने में परिजन घायल को इलाज के लिए निजी चिकित्सालय ले गए, वहीं इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। वहीं पुलिस दबंगों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। बीती रात थाना बलुआ अंतर्गत मोहनपुरवा गाँव में पान की गुमटी पर दो पक्षों के बीच विवाद होने लगा, विवाद बढ़ गया, विवाद बढ़ने पर ईंट पत्थर से हमला किया गया और लाठी डंडे चले जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया
जिसको उसके परिजन वाराणसी इलाज हेतु वाराणसी ले गए, जहां देर रात्रि उनकी मृत्यु हो गई है। उनके भाई की तहरीर पर थाना बलुआ पर समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसकी विवेचना जारी है और इस संबंध में दो टीम बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मिर्जापुर में पुलिस की सर्विलांस टीम ने सफलता हासिल की है। टीम ने लोगों के पिछले कई दिनों से गुम हुए 103 मोबाइल व को बरामद किया है। पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता कर डीआईजी पुलिस अधीक्षक ने 12 लाख कीमत के मोबाइल फोन को उनके धारकों के हवाले किया। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पिछले दिनों लोगों के मोबाइल गिर गए थे या गुम हो गए थे, उसके संबंध में लोगों ने पुलिस थाने पर सूचना दी थी और अब कार्रवाई करते हुए सर्विलांस टीम कामयाबी हासिल की है। ये 103 लोगों को यहाँ सम्मेलन कक्ष में बुला करके उनका मोबाइल उनको सुपुर्द किया गया। ये वो मोबाइल थे जो गुम हुए थे, जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस को बरामद करने के लिए या उन्होंने मुकदमे लिखाए थे। इनकी बरामदगी के लिए हमारे द्वारा टीम बनाई गई थी एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में और पूरी सर्विलांस टीम लगी हुई थी, स्वाट टीम लगी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इन फोन को बरामद किया और जो उनके धारक थे उनके सुपुर्द किया गया। खबर मिर्जापुर से, जहां 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का आज टीकाकरण शुरू हो गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि हमारा लक्ष्य 135,000 टीकाकरण करने का है, जिसे हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां स्कूल में मामूली विवाद को लेकर हेडमास्टर ने अपनी ही स्कूल की शिक्षिका की गाड़ी में आग लगा दी और आग लगाते वक्त हेडमास्टर का हाथ बुरी तरह से झुलस गया। बता दें घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद आरोपी पर सख्त कार्रवाई की गई है। मेरा नाम श्वेता त्रिवेदी है, हम ये प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर है। क्या हुआ है? हमारे जो हेडमास्टर है मनोज कुमार, रतनसिंहपुर स्कूल के प्राइमरी स्कूल रतनसिंहपुर द्वितीय के है, उन्होंने सुबह आके 5:30 बजे के लगभग कार में हमारी बाहर खड़ी कार थी आज में पेट्रोल डाल के आग लगा दी। उनका हाथ भी झुलसा, उसमें वीडियो में आया है उनका हाथ झुलसता हुआ। क्या कारण था विवाद का? कोई विवाद का कारण ही नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पहले से कभी कुछ हो गया टाइम को लेकर बोल दे, टाइम को क्या MDM नहीं बनवा रहे थे, उसमें हमने कहते कि आप MDM बनवाइए बच्चों को खिलाइए, चले वो भी कुछ नहीं था। 4 दिन से तो हम FLM की ट्रेनिंग कर रहे थे, आज हमको विद्यालय जाना था, कोई बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। अचानक सुबह हम लोग ना जान पाते कि कौन कर गया, वो तो सब कुछ इनका रिकॉर्ड हो गया, गाड़ी नंबर आया, ये आया, इनका हाथ जलता हुआ आया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।